15 में अगर आपके पास ये एक्सप्रेशन दे रखे हैं तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए देखिए लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है tan इनवर्स ऑफ समथिंग एंगल प्लस tan इनवर्स ऑफ समथिंग। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस x y। यहाँ पे x है आपके पास ये पूरी टर्म और y की जगह ये पूरी टर्म लिखी है, तो आपके पास यहां से ये टर्म ही बनेगी tan इनवर्स ऑफ x प्लस y, y की जगह x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन में 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू है पाई बाय 4। फर्दर इन्हें इवेल्युएट कर लेते हैं, एलसीएम लेते हैं इनका, तो ये टर्म बनेगी tan इनवर्स ऑफ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा x माइनस 2 इंटू x प्लस 2। ये टर्म आपके पास इसके साथ मल्टीप्लाई होगी x माइनस 1 इंटू x प्लस 2 प्लस ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी x प्लस 1 इंटू x माइनस 2। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी क्या करते हैं एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम सेम बनेगा तो ये टर्म ही आएंगे हमारे पास x माइनस 2 इंटू x प्लस 2। 1 को लिखा जा सकता है 1 बाय 1, 1 से डिवाइड करेंगे तो इन दोनों प्रोडक्ट आएगा यहाँ पे ये होगा x माइनस 2 इंटू x प्लस 2 माइनस इससे डिवाइड करेंगे दोनों डिवाइड हो रही है कंप्लीट 1 आएगा 1 की मल्टीप्लाई इनके साथ करेंगे तो ये टर्म बनेगी x माइनस 1 इंटू x प्लस 1। ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, इन्हें फर्दर सोल्व कर लेते हैं और इक्वल टू में वैल्यू है हमारे पास पाई बाय 4। साथ ही साथ क्या करता हूं, ये tan इनवर्स है तो दोनों तरफ tan अप्लाई कर देते हैं, ये होगा tan और tan इनवर्स कैंसिल आउट हो जाए, इधर आ जाएगा tan पाई बाय 4। क्या आप ऐसा कह सकते हैं इस वाले फंक्शन को इस तरफ लेके चलेंगे तो ये क्या बचेगा tan पाई बाय 4। इवेल्युएट करते हैं, पहले x की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये होगा मेरे पास x इंटू x प्लस 2, फिर माइनस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ माइनस 1 x प्लस 2 प्लस x की मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी ब्रैकेट के साथ प्लस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी ब्रैकेट के साथ माइनस। ये आपके पास फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी और a प्लस बी का, तो ये बनेगा आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4 आ गया माइनस। यहां पे भी आपके पास a माइनस बी a प्लस बी का बन रहा है तो इसका प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा आपके पास x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है हमारे पास, इक्वल टू tan पाई बाय 4। मल्टीप्लाई करते हैं इनकी तो ये वाली टर्म बनेगी मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन में, यहां पे देखिए चलिए लिख लेते हैं एक बार एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये टर्म बनेगी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1। इवैल्यूएट करते हैं तो पहले यहां से एक्स स्क्वायर वाली टर्म ले लेते हैं
ये टर्म में बन गया हमारे पास 2x2। इसके बाद x वाली टर्म में देख लेते हैं, देखिए आपके पास प्लस का 2x है, ये माइनस का 2x है, कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस x है, ये आपके पास प्लस का x है, तो x की कोई भी टर्म नहीं आएगी। इसे इवैल्यूएट करते हैं कांस्टेंट टर्म को, -2 और -2 -4 अपॉन में x2 से x2 कैंसिल आउट हो रहे हैं, -4 + 1 तो वही वैल्यू -3 = 1। इसे राइट हैंड साइड में ले चलते हैं तो वैल्यू बनेगी 2x2 = पहले -3 इस तरह मल्टीप्लाई होगा, फिर इसको राइट हैंड साइड में लाएंगे तो +4 वैल्यू आएगी 2x2 = 1, x2 = 1/2 और x = हो जाएगा ±1/√2। तो आपके पास ये x की दो वैल्यूज होंगी जिसके लिए एक्सप्रेशन आपके पास 5/4 के इक्वल आएगा।